हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे गार्डन में छोटे छोटे पपीज़ आए हैं जो कि स्ट्रीट डॉग ने दिए। और ये अभी हमारे घर के गार्डन के पीछे थोड़ा सा साफ़ सफाई करके और बच्चों ने और मिलके ये जो क्लीन करके इसके ऊपर अभी ये लोग सोच रहे हैं कुछ शेल्टर जैसा इन लोगों के लिए बनाएंगे ताकि इनको ठंड से बचाया जा सकता है। अभी थोड़ा सा हमने इसको खोद के डंडे वगैरह गाड़ के इसको थोड़ा सा इसका टेम्पररी इनके लिए शेड बना रहे हैं और फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा इनके लिए परमानेंट भी कुछ ना कुछ करने का सोचेंगे। तो ये चारों जगह से हमने गड्ढे खोद के इसमें डंडे गाड़ दिए। फिर ये गड्ढे जो किए उसके अंदर हम लोगों ने इसके डंडे लगा दिए और फिर ये देखिए ये जो एक छोटी सी नेट पड़ी हुई थी पीछे जो कि वेस्ट में से ही निकाला है और ये देख सकते हैं ये बाउल है जिसके अंदर पपीज खाना खाते हैं और ये चारों तरफ डंडे लगा के ऐसा लुक आ रहा है। पूरा स्ट्रक्चर जो है मेन स्ट्रक्चर ये जो है ऐसा होगा और बैक साइड से ये ऐसा दिख रहा है। तो फिर जो है आगे से भी मैंने जो आपको फ्रंट व्यू भी दिखाया था अभी और ये चारों तरफ से थोड़ा सा जो हम लोगों ने पॉलीथीन से शेड किया है और जैसे कि जो आटे वाटे के बोरे होते हैं ना उसको थोड़ा सा हमने कट करके इसको आसपास लगाया है। और ये देखिए सामने से चारों तरफ से अभी आप देख रहे हैं कि पॉलीथीन लगा के हमने इसको कवर कर दिया है। और ये पपीस का जो है बेड जिस जैसा देख रहे हैं ये हमने वेस्ट टायर था उससे बनाया है जिस जो कि उनको बहुत पसंद आता है। देखिए कितने मज़े से उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है इस घर में। और ये जो मैंने वेस्ट ऑफ टावर से जो ये इनका बेड बनाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए कितना मज़ा आ रहा है इन लोगों को इस नए घर में। हम सभी लोगों को स्ट्रीट डॉग्स के लिए स्ट्रीट पपीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। थोड़ा सा इन लोगों के लिए हमें भी सोचना चाहिए। थोड़ा सा ही है लेकिन उन लोगों को यहाँ पर रहने में बहुत ही मज़ा आया है। और ये जो नेट है देखिए कितने अच्छे से यूज़ आ रही है ताकि बाहर से हम लोग पपीज़ को भी दिख सकते हैं और पपीज़ भी हम लोगों को